नमस्कार दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा मनी आउट ऑफ इंडिया भेजी गई है यानी कि रेमिटेंस की गई है तो उस केस में उसका TCS काट लिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, इस अमाउंट का इनकम टैक्स में रिफंड लिया जा सकता है। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन क्या है जिसके अंतर्गत के TCS कलेक्ट किया जाता है और आप इसका रिफंड कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कोड TCS 206CQ के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टैक्स पेयर के द्वारा आउट ऑफ इंडिया रेमिटेंस की गई है और उसके ऊपर TCS बैंक के द्वारा कलेक्ट किया गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया गया है, तो आप इस TCS का रिफंड ले सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि बैंक या फिर जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं जो कि रेमिटेंस करेंगे आउट ऑफ इंडिया, उस केस में वो TCS काटने के बाद ही रेमिटेंस करेंगे। यानी कि यदि बायर से अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है और वो अमाउंट 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में TCS कलेक्ट किया जाता है जो कि 5% होता है। इस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रोविज़न दी गई है कि जो ऑथराइज डीलर होगा वो 5% TCS कलेक्ट कर लेगा। जो अमाउंट 7 लाख रुपए से ज़्यादा की रेमिटेंस की जा रही है आउट ऑफ इंडिया, तो इस केस में टैक्स पेयर को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, उसमें वो ये रिफंड क्लेम कर सकता है जो उसका TCS का कटा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स की कंपटीशन करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केस में टैक्स पेयर की सिर्फ सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है क्योंकि SSC यहाँ पे NRI है और उसने जो फंड ट्रांसफ़र किया है वो पास्ट की जो उसकी सेविंग थी उसमें से उसने किया था, जिस पे कि वो पहले ही टैक्स पे कर चुका है लास्ट ईयर्स में। इसलिए इस बार यहाँ पे उसका जो TTS या TCS कटा है वो पूरा यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया की गई है वो इंडिया में टैक्सेबल हो। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होती है तो उस केस में उसे हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये रेंटल इनकम टैक्स के लिए ऑफर करनी होती है और उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसमें से ये TDS अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो रिफंड क्लेम कर सकता है। तो इस केस में दोस्तों, फैक्ट ऑफ द केस पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या व्यक्ति को टैक्स पे करना होगा या फिर उसका रिफंड मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसलिए आपको टैक्स की कंपटीशन करनी है और उसके बाद डिटरमिन करना है कि कितना टैक्स पेयर को रिफंड मिलेगा और उसके बाद ITR फाइल करनी है जिसके बाद के रिफंड लिया जा सकता है। दोस्तों, जो टैक्स पेयर का TCS काटा जाता है फोन रेमिटेंस पे वो आप 26AS में भी देख सकते हैं। तो बहुत से टैक्स पेयर का एक क्वेश्चन होता है कि जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ पे दिखाना है। दोस्तों, इस अमाउंट का आपको बाइफर्केशन करना होगा कि कितना अमाउंट आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, कितना अमाउंट बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत या अदर सोर्सेज के अंतर्गत या फिर कैपिटल गेन टैक्सटर के अंतर्गत, या फिर ये अमाउंट कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि आपने जो टैक्स है वो लास्ट ईयर में पे कर दिया था। तो अकॉर्डिंगली आपको इस अमाउंट का बाइफर्केशन करना होगा और उसके बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फीड करना होगा और जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसमें से TDS अमाउंट एडजस्ट करना होगा और बैलेंस अमाउंट यदि आपका पेबल है तो आपको पे करना है, यदि रिफंडेबल है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं ITR फाइल करके। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करता है 2 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री के लिए, भले ही वो अपने लिए करे या फिर किसी भी और व्यक्ति के लिए, तो उस केस में उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है इंडिया में। दोस्तों, यदि फ़ोन रेमिटेंस की गई है और आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं TCS का, तो उस केस में आपको ITR फॉर्म भी डिसाइड करना होता है कि क्या आप ITR 1 फाइल करेंगे जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, और इसमें फर्दर सेक्शन है कि टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए और बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं हो सकती। ITR 2 कोई भी इंडिविजुअल फाइल कर सकता है रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, लेकिन इस केस में भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। ITR 3 फाइल की जा सकती है यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है भले ही रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो जिसकी के बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है। तो इस प्रकार आप रेलेवेंट ITR फॉर्म चूज़ करके जो इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो कि आपका कलेक्ट किया गया है TCS फोन रेमिटेंस पे।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।